टी20 इंटरनेशनल प्लेयर, मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बट इंडियन फैंस को आई एम श्योर डर भी लगता होगा, आईसीसी ट्रॉफी जीत जाते हो तो आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हो, नो थ्रेट ऑफ दैट राइट इन द अदर फॉर्मेट्स। अभी ये जो रिटायरमेंट का जो सिलसिला चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, थोड़ा सा जोक बन चुका है, कोई भी कभी भी रिटायरमेंट अनाउंस करता है और कभी भी आगे खेलता है। हालांकि इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है, बहुत कम देखने को मिला है, बट मैं बाहर देख रहा हूँ बाहर के प्लेयर्स अनाउंसमेंट करते हैं रिटायरमेंट, बट आके फिर से खेल जाते हैं, तो वो रिटायरमेंट का समझ में नहीं आता है कि ये सच में रिटायर हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो अब फाइनल एंड क्लियर है। यू कुड बी अ ट्रेल ब्लेजर इन दैट रिगार्ड। नो नो नो, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी क्लियर, दैट वॉज इट, इट वॉज अ परफेक्ट टाइम टू से goodbye to the format which I really loved playing. शुरुआत उसी फॉर्मेट से किया था मैंने इंडिया के लिए, शुरुआत नहीं एक्चुअली 50 ओवर खेला था, बट उसके बाद सीधा जाके मैंने T20 वर्ल्ड कप खेला था 2007 में, वो जीता था, ये जीत गया, तो आई थॉट इट वॉज अ गुड टाइम टू मूव ऑन। परफेक्ट वे टू फिनिश थिंग्स ऑफ।